हेलो दोस्तों, आज हम फिर से आगे टिकटॉक के एक वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर, जैसा कि ये वीडियो देख सकते हैं, इस टाइप की वीडियो टिकटॉक पर आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे जिस पे लाइक भी काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं। इस वीडियो में ऐसा होता क्या है, लास्ट का सीन जो होता है आपको ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है, तो इस तरह के वीडियो आपको कैसे एडिट करना है। तो चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पर, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको जेन्युइन कंटेंट मिलता है। तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से काइनवास्ट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। मीडिया पे आना है, आपने जो वीडियो शूट कर रखे है उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद वीडियो में जो आपको एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट को आपको रिमूव कर देना है। तो वीडियो को आपको एक बार प्ले कर देख लेना है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करना है, कैचिंग निशान पर क्लिक करना है, ट्रिम टू लेफ्ट कर देना है, वीडियो को आगे तरफ लेकर आना है और आपका वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करना है, कैचिंग निशान पर क्लिक करना है और ट्रिम टू राइट कर देना है। इस तरह से वीडियो में जो भी आपको एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट को आपको रिमूव कर देना है। रिमूव करने के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं, हम यहाँ से रिएक्शन ले रहे हैं, यहाँ से आपको ब्लैक एंड व्हाइट दिखाना है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैचिंग निशान पर क्लिक करेंगे और स्पीड टू प्ले हिट कर देंगे। वीडियो आपको यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। लास्ट वाले वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कलर फिल्टर पे आएंगे और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है ब्लैक एंड व्हाइट का, आपको सिंपल इसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो जो भी कलर आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पर आपको बिल्कुल आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने एक कलर को सेलेक्ट कर लिया हूँ, तो आपको भी सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद इसे डन कर देना है। तो मैं आपको एक बार वीडियो को तो मैं सबसे पहले वीडियो में जो ओरिजिनल साउंड को म्यूट कर दिखा देता हूँ। इसके बाद मैं आपको एक बार प्ले कर दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है, और जैसे हम यहाँ पे बैक लेते हैं तो यहाँ पे आपको ब्लैक एंड वाइट दिख जाता है। तो इस तरह से आप लास्ट के सीन में ब्लैक एंड वाइट लगा सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले ओरिजिनल साउंड को मैंने म्यूट किया था, मैं इसे फिर से हमें वॉल्यूम जिसे हम फिर से हमें ओपन कर देता हूँ। इसके बाद डन कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे साउंड मैच करना है, लेयर पे आना है। इसके बाद लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। जिस वीडियो को आपको साउंड यहाँ पे ऐड करना है उस वीडियो को आपको डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद कैचिंग निशान पे क्लिक करना है, एक्सट्रैक्ट ऑडियो कर देना है, वीडियो पे क्लिक करना है, इसे आपको डिलीट कर देना है और आपको इस साउंड को और इस साउंड को आपको मैच करना पड़ेगा। तो आपको एक से दो बार वीडियो को आपको प्ले कर देख लेना है, जैसे जहाँ से वीडियो स्टार्ट हो रहा है वहाँ से आपको इस वीडियो को भी आपको एक बार प्ले कर देख लेना है। एक्स्ट्रा पार्ट यदि है तो एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू लेफ्ट कर देना है और वीडियो को साउंड को आपको बिल्कुल आसानी से इस तरह से आप मैच कर सकते हैं। मैच करने के बाद सेटिंग पे आना है, ऑडियो फेड आउट को ऑफ कर देना है, शेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है और आपका वीडियो यहाँ पे पूरी तरह से तैयार हो चुका है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, साथ ही साथ टेक्निकल सलेन चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। यदि आपको किसी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पे वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं।